गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मैदान धर्मशाला में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रातः 10:30 बजे शहीद स्मारक में माला अर्पण करने के उपरांत प्रातः 11 बजे पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस, एनसीसी कैडेट्स की प्लाटूनों द्वारा शानदार मार्च पास्ट निकाला गया। मुख्य अतिथि विपिन सिंह परमार ने जनता के नाम अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को याद किया। जनता के नाम संदेश के उपरांत विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। गणतंत्र दिवस पर मुझे यहाँ जिला मुख्यालय धर्मशाला में झंडा लहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो दिन हैं जिनको हम याद करके मनाते हैं, इसका हेतु सिर्फ यही है कि हम अपने इतिहास को भूल ना जाएं। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन नौजवानों ने इस भारत माता के अंग नहीं कटने चाहिए उसके लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, उनको याद करने का मौका है। आज़ादी के बाद 1950 में जब हिंदुस्तान में संविधान बनाने की बात आई तो 26 जनवरी 1950 को इसको धरातल पर उतारा गया, जो हमारे लिए एक मॉडल था, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक के रूप में साबित हुआ है। इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी आज के दिन विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। तो यही संदेश है कि जो हमारी पुरातन गाथाएं हैं, जिन देश के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, उसको सजोने की, संवारने की का वक्त है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस हिमाचल प्रदेश में निवर्तमान मुख्यमंत्रियों ने व सरकारों ने जो योगदान दिया, वो श्री जयराम जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और श्रद्धे श्री नरेंद्र मोदी जी सुशासन के माध्यम से उसको छोटी सरकार पंचायतों के माध्यम से धरातल पर उतारने का संकल्प ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ।